गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं, पेज 48, 49, 50। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, एक, ऊंचा, सुंदर, विशाल, कुछ, मोटा, काला आदि। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, एक, ऊंचा, सुंदर, विशाल, कुछ, मोटा, काला आदि। प्रश्न 2, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न 3, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का माप, तौल या मात्रा बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 4 मीटर आदि। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का माप, तौल या मात्रा बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 4 मीटर आदि। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4 आदमी, कुछ केले आदि। चौथा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, विशेषण क्या बताते हैं। अ, किसी भी संख्या की विशेषता। ब, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। स, वर्णों की विशेषता। विशेषण क्या बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। ब पर सही का निशान लगाना है। ख, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं। विशेष्य, विशेष शब्द, गुणवाचक शब्द। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य। विशेष्य पर सही का निशान लगाना है। ग, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द कहलाता है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द कहलाता है प्रविशेषण, विशेष्य, परिमाणवाचक विशेषण। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला कहलाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण पर सही का निशान लगाना। घ, 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। अ, परिमाणवाचक विशेषण। ब, संख्यावाचक विशेषण। स, गुणवाचक विशेषण। 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण पर सही का निशान लगाना है। अंग, रोहन मेधावी छात्र है, इसमें विशेष्य है। अ, मेधावी। ब, रोहन। स, छात्र। ब, रोहन। रोहन मेधावी छात्र है, इसमें विशेष्य है रोहन। रोहन पर सही का निशान लगाना। 5, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण बताइए। क, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक।
ख झगड़ा का विशेषण झगड़ालु, ग क्रोध का विशेषण क्रोधी, घ दिन का विशेषण दैनिक, जो का विशेषण छठवां, नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए। क चतुर, ख लाल, ग घोड़ा, घ पांच, अंग उपजाऊ। पहला दूध, दूसरा खेत, तीसरा तितलियां, चौथा लड़का, पांचवा कमीज। चतुर से विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बनेगा चतुर लड़का, ख लाल का बनेगा लाल कमीज, लाल कमीज। थोड़ा का बनेगा थोड़ा दूध, घ पांच का बनेगा पांच तितलियां, अंग उपजाऊ का बनेगा खेत, उपजाऊ खेत। सातवां, दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। क कठोर, मोहन कठोर दिल का है। ख ठंडा का वाक्य बनेगा बर्फ ठंडा है। ग लंबा बनेगा यह लड़का लंबा है। घ तीन, तीन किलो चीनी लाओ। अंग हरा भरा, यह खेत हरा भरा है। आठवां, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। क जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। सही का निशान, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। सही का निशान। ख दो, कुछ, अनेक, ये शब्द परिमाणवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। गलत का निशान। ग विशेषण के तीन भेद होते हैं। गलत का निशान। होमवर्क के प्रश्न, प्रश्न उत्तर याद करना है। सही विकल्प विशेषण बनाइए, विशेषण व विशेष्य के जोड़े, विशेषण शब्दों से वाक्य बनाना, सही व गलत का निशान याद करना है।